कने के लतरा देखा नहीं तो भीतर ध्यान दे भी आराम से पास है तो ठीक ना मास थोड़ा ठीक है जो अब देखते हैं दोस्तों यहां पर मंजा पूजा में सांप निकला था हां मैं तो लेकिन पकड़ नहीं पाए अभी इनको फिर सांप दिखा गए ठीक अब देख सकते हैं खबरेल घर है ठीक कोशिश करते हैं इसको निकालने की ध्यान दबी कितना घर कहाँ तो देखा हेर तोर पागोड़ रोल रो तो अन भीतर तो देखा पहले कोले गलो नजर आलो आप देखे देखा है यहाँ वहाँ पर देखो तो आराम से ताली একদিকে ধ্যান রাখি না সব দিকে দৌড়াবি নেন ওকে ভাইলে ভাইলে রবি আর চার দুনি আট গো আয় কাহো সাত গাম না হলো যাকে গাম দেখলে আট নি আও এটা কোনা লাগলো হ্যাঁ কোনা লাগলো কে কাহা গেলে তো বাদ হয় কি মনসা পূজা কা ঠিক হম উপাস কে দিন ইয়া পৌঁছে হুয়ে থে ঢোকরা বাউরি কুলি यहाँ पर हमने एक दोस्त से फोन किया था आप देख सकते हैं उस दिन हम इन लोगों का मानना था कि सांप बीच में घुसा है लेकिन हम यहाँ का दवा लाल तोड़ करके चुके थे लेकिन सांप हमको मिला नहीं था लेकिन आज इन्होंने फिर हमको दोबारा कॉल किया आप देख सकते हैं ये स्पेशल कोबरा दोस्तों जो कि भारतीय नाग और गेमन खरीदना से जाना था चूँकि दोस्त ये बहुत ही खतरनाक सांप होते हैं और बहुत ही जगह तो हमारा वीडियो में अंत तक जुड़े रहें हम इसको रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं पहले उसके बाद जो है हम उसके बारे में जानकारी देंगे बंद कर ওটা উপস্থিত বিল ফোনটা তে কত জানি লিলে যে আর ঘর হবে না এই সব কই কই এটা এই লিংক ও ওকে 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 চল খরি সাথে না আসল না লাগে জানো বহুত চালা বহুত চালা अपने बाहर अपने बाहर अपन वो आपको फुर्ती है वो आपको ये को ठोका जाए अपन बुझाए हाथ तक कांटा ही लगा दिया पूरा हम हो गया ये कटा गया लोगे अरे हाथ तक कांटा आ गया बे पापा हम ना साथी है खाना रख पा हम हां हां दुख रुक यार ले कर दे उठा दे ताली लो ले रुक ले रुक ले हां तो इधर के चली जाओ अब तो जन से जगह पहुंच जाओ हां बस पेंट ले कौन समय ठीक हम ध्यान
चपन नहीं रहे चबा चबा के तो चाओ धरे हां हां अपने बाबू क्या साला मूठी पर था मुंह ना धरले कोनो उपाय ना उछले मत देख अरे वाला फचली की मुंह तो अरे बार मना एक भी बेशी धारा लो इटा हाथ में इटा ना तारे पत्ता है क्या पोस्ट कटाई नहीं लो ना 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 हाथ ना और पहले आराम से खा ले ना तो है धन ना हाँ उपति उठ गए मेरा गेंजिया तो बर्बाद कर दिए कुछ नहीं फिंच लेना उसमें जान नहीं जाता हाथ डाल दिया फिंच लगा जहाँ खत्म हो जाए तो फाइनली फ्रेंड हमको इस तरह से सबको रेस्क्यू करना पड़ा बहुत ही ज्यादा अपना जानकारी लेकर के जो हम इस सबको रेस्क्यू किए हैं ये अत्यंत कोबरा होते हैं ये बहुत ही जहरीला होता है जिस तरह से हम इस सांप को पकड़े कभी भी इस तरह से कोशिश ना करें क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है सीखने का जरूरत पड़ता है प्रशिक्षण का जरूरत पड़ता है बिना प्रशिक्षण का सांप को हैंडल ना करें। हम यहाँ पर आए थे और उस समय एक भेड़िया भी आया था मतलब क्या बोलते हैं सपेरा हमने उसको इतला दे करके वार्निंग दे करके उसके पास एक कोबरा था और जिसको आग से कुछ नजर नहीं आ रहा था उसको 15-20 दिन से भूखे रखा था हमने उसको पैसा दे दिया मनसा पूजा में और बोला कि थोड़ा जो भी प्लीज कर दें। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्पेशल कोबरा ये लोग भाई सब बहुत डरे हुए थे और ये खबरेल का मकान है ये किसी तरह से छुपा हुआ था उस दिन हमको नजर नहीं आता और ना ही इन लोगों को चलो वापस चल गए और ये सब हमें मिला चलो ना बच्चा नहीं सांप पकड़ा भाई साहब के हम यहाँ आए हुए थे जहर दे दोस्तों कभी भी अगर ये सांप काटे हम बार बार आपको बता रहे हैं जानकारी रखिए क्योंकि जानकारी ही बचाव है कभी भी अगर ये सांप काट ले तो तुरंत जो है कि PMCH जाए या अन्यथा हमें कॉल करें ठीक है हम आपको आप तुरंत जो है कि PMCH जाए वहाँ डॉक्टर की सलाह लेना कि वजह को नहीं झाड़ फूक इसका जो जहर होता है कोई भी वजह हम चैलेंज कर देंगे कोई भी वजह जो इसका जहर जो है झाड़ नहीं सके क्योंकि दोस्तों इसलिए वजहगुने के पास विश्वास किया जाता है। ये जो सांप है स्पेटल कोबरा जिसको हम लोग नाग बोलते हैं हिंदी में खरीज बोलते हैं गेहमन बोलते हैं ये सांप 80% फॉल्स बाइट करता है यानी कि 80 बार जो है कि झूठ मूठ का काटता है और खास करके अगर सिंगल बाइट हो वही बाइट जाता है वजह के पास इसमें जहर नहीं डालता और वहाँ से झाड़ फूक करके वो बच के आ जाता है। तो विज्ञान जो है बहुत आगे बढ़ चुका है झाड़ फूक से आज विदेश में सांप से मौत इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ शिक्षित है वहाँ शिक्षित आदमी कभी भी ओझा गुनी के पास
तो ये काटने के लिए माहिर होता है दोस्तों। इसको अगर आप जानबूझ करके इसको छेड़ने जाइएगा या इसको कुछ भी कीजिएगा तो तुरंत काट, इसलिए दोस्तों बिना प्रिसीजन का कभी भी सांप ना पकड़े। आज भाई साहब ने हमें दोबारा बुलाया, हमें बहुत खुशी हुआ कि एक बेजवान को बचाने के लिए हमें बुलाया। टेंशन नहीं ले, तो फाइनली फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत के बाद इस सांप को रेस्क्यू कर लिया है। अभी हम इसको जो है कि पारे हम लोग रिलीज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब का जिन्होंने हमें इस बेजवान को बचाने का हमें कॉल किया। और इसी तरह से हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए ताकि हम इस बेजवान को बचा सके, क्योंकि सांप एक ऐसा प्राणी है जो हमारा पर्यावरण को मेंटेन रखता है, हमारे पर्यावरण को मेंटेन रखता है। क्योंकि ये लोग चूहा का शिकार करते हैं और चूहा हमारे अनाज को बर्बाद करता है कि नहीं। चूहा जो है हमारा घर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पेपर या अनाज का बोरा वो सब नष्ट करता है, और वो ये जो है ये चूहा को खा करके हमारे पर्यावरण को मेंटेन रखता है। झोला कहाँ दे, मेरे पास